तुरंत बगल में खतरनाक ढलान है, अगर आप जरा भी चूकते हो तो नीचे जा सकते हो, इसलिए बहुत संभाल के इस पे ट्रैकिंग करना होता है। इसलिए और मैंने देखा कि सामने भालू था, फिर मैंने उसको यहाँ से भगाया और यहाँ से मैं सेफ उनको सेफली नीचे तक लेके गया। आगे का रास्ता दिखाता हूँ कितना डेंजर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम अचलगढ़ में ट्रैकिंग करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो माता जी का जो टेंपल था, लास्ट पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट था अचलगढ़ में माउंट पे आने के लिए, उससे ऊंचाई पे कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको दिखा दूं तो सबसे हाइट यही है। इसके बाद हम आए थे, अगर आपको बताऊं तो हम इस वाले रास्ते से आए थे, लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग करते हुए जाना है तो आपको इस वाले से रास्ते से जाना पड़ेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन हमको दीपक भाई ने दी है, और अगर यहाँ पर आपको ट्रैकिंग करना है तो आप दीपक भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ले सकते हो और उनके साथ आके इस रास्ते पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। और चलो मैं दिखाता हूँ ये ट्रैक है कैसा। आप समझ सकते हैं ट्रैकिंग जो है वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ पे रास्ते उतने अच्छे नहीं होते हैं, इतनी सीढ़ियाँ दी नहीं होती हैं। और ये देखो यहाँ से तुरंत बगल में खतरनाक ढलान है, अगर आप जरा भी चूकते हो तो नीचे जा सकते हो, इसलिए बहुत संभाल के इस पे ट्रैकिंग करना होता है। इसलिए दीपक भाई की इसीलिए आपको खास ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इधर इस रास्ते पर आते हो तो विदाउट टूर गाइड आप ना ही आएँ तो अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा रिस्की होता है। देख सकते हो ये अनूप भाई और दीपक भाई जा ही रहे हैं, तो ये रास्ता ना कोई सीढ़ियाँ हैं इसमें और कुछ नहीं है, आप यूं ही लोग चल चल के ट्रैकिंग कर करके रास्ता बनाए हुए हैं। तो इस बात का आपको बहुत प्रायोरिटी से ध्यान रखना होता है कि जब भी आप ट्रैकिंग करें तो टूर गाइड आपके साथ मस्ट होना चाहिए। अगर टूर गाइड नहीं होगा देन आप थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं और रास्ता भी भटक सकते हैं। जाहिर सी बात है, जहां आप पहली बार आए हैं और रास्ता नहीं जानते हैं तो रास्ता भटक भी सकते हैं, इसलिए टूर गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, तो दीपक भाई का कॉन्टैक्ट कभी भी आप कर सकते हैं। भैया अब हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से नीचे का रास्ता कितना ख़तरनाक है, और ये हमारे टूर गाइड दीपक जी हैं, और ये एक टूरिस्ट को जो है यहाँ पर घुमाने के लाए थे, तो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था वो हमको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से सर हम थोड़ा नीचे जा रहे थे, तो इस जगह पे क्या होता है कि अगर आप लोग शाम को 7 बजे बाद कभी भी आओगे तो यहाँ पे आपको इन केस जैसे पैंथर बोलते हैं आप लोग, लेपर्ड, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे भालू देखने को मिलता है। तो एक दिन सर मैं क्या कि एक लेडीज़ और एक बच्चा था मेरे साथ में छोटा सा, जिनके साथ में मैं गाइड आया हुआ था, और यहाँ से मैं उनका फ़ोटो खींच रहा था, तो बच्चे ने एकदम से चिल्लाया, बोला अंकल नीचे देखो बफेलो आ रहा है। तो मैंने बोला मेरे को बेटा यहाँ पे बफेलो कभी शाम के टाइम में नहीं आता है। और मैंने देखा कि सामने भालू था, फिर मैंने उसको यहाँ से भगाया और यहाँ से मैं सेफ उनको सेफली नीचे तक लेके गया। और यहाँ से अपने को अभी 3 मिनट का और ट्रैकिंग है जो नीचे तक जाएगा रास्ता, लेकिन रास्ता आप पूरा देखना है यहाँ से। अब आप समझ गए कि टूर गाइड की यहाँ पे क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एनिमल हैं, जैसे भालू हो गए, फिर टाइगर हो गए, वो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, क्योंकि ये जो है वो आउट वे है, ये रास्ता जो है वो रेगुलरली इन यूज़ नहीं है, ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए आपको टूर गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी इस रास्ते पर अगर आप आए तो टूर गाइड को लेके ही आए। और अब मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ कितना डेंजर है। वैसे ये ट्रैकिंग का रास्ता हम कवर नहीं करने वाले थे, स्पेशली दीपक भाई के रिक्वेस्ट के वजह से ही हमने किया है, क्योंकि अनूप भाई भी यहाँ पे आने से मना कर रहे थे आउट ट्रैक पे जाने के लिए, और क्योंकि ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुनसान है, इसीलिए टूर गाइड की ज़रूरत है। और मैं पूरा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप रास्ता देखते रहिए। देखिए कितनी बगल में कितनी गहरी ढलान है, और कोई एक सिंगल पर्सन भी आपको इस रास्ते पर मिलेगा नहीं, और कोई रास्ता भी नहीं है।
चलो ये तो सर आप मेरे फेसबुक वगैरह पे देखोगे ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैंने ये पूरा डाल रखा है, एड्रेस और ऑफिस के नाम से भी आईडी है। चलो भाई यहाँ पे जब भी आप आ रहे हैं दीपक भाई के साथ ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं तो एक बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जो आप अकेले आते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और का ही बोले, दीपक भाई ने काफ़ी अच्छी लोकेशन दी, फिर भी 3 से 4-5 मिनट का 10 मिनट का ही रास्ता है ये, और ट्रैकिंग के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन शाम को ना करें, अकेले ना। बाल बाल बचे दीपक भाई, गिरने से पैर फिसल गया था उनका, तो अब आप समझ लो ताकि वो रोज यहाँ पे आते हैं तो उनकी ये परिस्थिति हो सकती है, तो आपकी कितनी होगी। दोस्तों तो ये रहा हमारा ट्रैकिंग वाला ब्लॉग, मैं लास्ट में आपको वार्न करता हूँ, अगर आप अकेले आते हैं तो इस रास्ते से ट्रैकिंग करने ना आए, आपको के पास टूर गाइड होना चाहिए, नहीं तो आप ये वाला रास्ता जिस रास्ते से हम गए थे ये वाले रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का ब्लॉग आपसे मिस ना हो। वीडियो पूरा देखने के लिए हम दोनों भाइयों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।